फिजिकल, जब कोई ऐसा वर्ड तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारी लाइफ में पहली बार आया हो, फिर मैं बताऊंगा उस सेम बात कॉपी की छत पे लिख लिया करो, क्योंकि बाय चांस अगर तुम पढ़ रहे हुए रिवाइज कर रहे हुए तो तुम्हें कॉपी की छत पे अलग ही वर्ड दिख जाएंगे। कॉपी की छत समझते हो, वो जो ब्लैंक स्पेस होता है वहां लिख लिया करो, वहां अलग ही दिख जाएंगे तुम्हें ये वर्ड, तुम्हें रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो नए वर्ड होंगे तुमने कभी नहीं सुने होंगे वो तुम्हें ऊपर दिख जाएंगे और एकदम रिवाइज हो जाएंगे। फिस्कल का एक ही मतलब है, बार बार आएगा अतिथि ये वर्ड, फिस्कल का पर एक ही मतलब है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब, फिस्कल इज इक्वल टू फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोला? फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट। जहां भी इधर सुनो मेरी बात, जहां भी गवर्नमेंट के पैसों की बात आती है, फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट, साथ में क्या वर्ड लगता है? अभी मैं आपको बजट की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई, मैं आपको गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, तो वहां पे भी हम क्या वर्ड यूज करेंगे? फिस्कल का एक ही मतलब है, एक ही, गवर्नमेंट के पैसे। जहां गवर्नमेंट के पैसों की बात आ जाए वहां क्या वर्ड लगेगा? फिस्कल। कहानी खत्म। बिल्कुल सही बात है, यहां पे टोटल पैसों की बात होगी, देखना अभी, इसलिए मैंने यहां पे क्या वर्ड यूज किया? फिस्कल। वैसे पूरे चैप्टर नहीं गवर्नमेंट के पैसों की बात है, अब हर जगह तो नहीं डाल सकते ना, कुछ टॉपिक है जहां पे आ रहा है तो वहां समझाना है। जैसे हम यहां पे आया फिस्कल वर्ड, तो यहां मैंने आपको बता दिया मेन, जब डेफिनेशन वही है और मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने कहा यही है पेपर में आता है, जो यहां पे भी किसकी बात होगी? फिस्कल की। तो जहां पे टोटल पैसों की बात हो रही हो वहां वर्ड क्या लग जाता है? फिस्कल। क्या मतलब है फिस्कल का? फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल इज रिलेटेड टू फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट। जहां पैसे की बात आ जाए, किसके पैसे? गवर्नमेंट के पैसे, वहां क्या वर्ड लग जाता है? तो फिस्कल डेफिसिट। क्या वर्ड है? फिर डेफिसिट आ गया, फिर डेफिसिट आ गया, तो इसका मतलब है खर्चे ज्यादा हो गए। किससे ज्यादा हो गए? रिसिट से ज्यादा हो गए। कौन? खर्चे। कौन से खर्चे? टोटल खर्चे। कौन से खर्चे? टोटल खर्चे ज्यादा हो गए। किससे? टोटल रिसिट से। अब टोटल का क्या मतलब है? यहां पे ध्यान से बैठो भाई, टोटल का क्या मतलब है? एक बार शुरू से बात करेंगे। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं आज बताओ भाई, क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक? अरे कहीं भी नहीं डेफिसिट बजट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट। और डेफिसिट जब भी आता है तो खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। किससे? पहला डेफिसिट कौन सा पड़ा? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, डेफिसिट वर्ड आते खर्चे ज्यादा हो गए। किससे और किसके साथ क्या लगा है? रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू खर्चे ज्यादा हो गए, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, दूसरा कौन सा है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल खर्चे ज्यादा हो गए। किससे? टोटल डेफिसिट। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी अभी पूछा था ये टोटल का क्या मतलब है, तो इस बंदे ने बताया कि टोटल का मतलब है दोनों खर्चे मिला दो। कौन कौन से? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो क्या आ जाएंगे? टोटल खर्चे। और अगर तुम्हें टोटल रिसिट निकालनी है तो फिर दोनों रिसिट जोड़ दो। कौन कौन सी? रेवेन्यू रिसिट प्लस कैपिटल रिसिट। कौन कौन सी? रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल। तो टोटल का मतलब यहां पे दोनों से है। चार चीजें होती थी ना, मैं दोबारा लिख देता हूं, कौन कौन सी चीजें होती थी? एक पहला होता था कैपिटल रिसिट, फिर रेवेन्यू रिसिट, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू होते थे। एक बार दोबारा हो जाए, कैपिटल रिसिट क्या है? तो या तो आवाज आनी चाहिए, अगर आप बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा, लाइबिलिटी को बढ़ा दे या फिर एसेट्स को, दोनों में से एक काम हो जाए। रेवेन्यू रिसिट क्या थी? ना तो लाइबिलिटी को ना ही एसेट्स को क्या करती, दोनों में से कुछ नहीं। तो ये क्रॉस मार्क। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइबिलिटी को या तो कम कर दे या फिर असेट्स को ज्यादा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना तो लाइबिलिटी को घटाता ना ही असेट्स को बढ़ाता, दोनों में से कुछ नहीं करता। अब मैं कह रहा हूं दोनों खर्चे मिला दो, कौन कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर और, तो क्या आ जाएंगे? टोटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसिट का क्या मतलब है? रिवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट। नहीं समझते? तो
बात बताता हूं मैं आपको, मुझे याद दिलाओ, वो कैपिटल रिसिट जो लाइबिलिटी को बढ़ा देती है, वो कैपिटल रिसिट जो लाइबिलिटी को बढ़ा देती है। हाँ भाई जी हाँ, क्या बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं उन्हें? हाँ भाई, उनको एक अलग नाम दिया था, डेट कैपिटल रिसिट। क्या चीज? डेट कैपिटल रिसिट, डेट माने उधार। वो कैपिटल रिसिट जो लाइबिलिटी को बढ़ा दे वो क्या कहलाती है? डेट कैपिटल रिसिट। और जो एसेट्स को घटा दे वो नॉन डेट कैपिटल रिसिट। क्या कहलाएंगी? नॉन डेट कैपिटल रिसिट। जब आप ध्यान से सुनना ये वाली बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, जब आप टोटल खर्चे जोड़ रहे होंगे तो आप दोनों खर्चे जोड़ोगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप टोटल रिसिट जोड़ रहे होंगे, बना रहे होंगे, तब आप दोनों जोड़ोगे, रिवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स। बट जब आप कैपिटल रिसिट जोड़ रहे होंगे, क्या जोड़ रहे होंगे? कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट क्या होती है? या तो लाइबिलिटी को या एसेट्स को, जो लाइबिलिटी को बढ़ा दे उसे क्या नाम दिया तुमने? डेट कैपिटल रिसिट। क्या नाम दिया? डेट कैपिटल, क्योंकि उधार बढ़ा दिए तो उधार का मतलब डेट, डीबीटी डेट, डेट कैपिटल रिसिट। और जो एसेट को घटा दे वो क्या है? नॉन डेट कैपिटल रिसिट। तो डेट कैपिटल रिसिट क्या बोला? डेट कैपिटल रिसिट एक ही है दुनिया में, सिर्फ एक, उसका नाम है बोरोइंग्स। जब आप किसी से उधार लेते हो तो पैसा आता है और हमारी क्या बढ़ जाती है? लाइबिलिटी। तो दुनिया में एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक ही डेट कैपिटल रिसिट है जिसका नाम है रिवेन्यू, सॉरी जिसका नाम है बोरोइंग्स। डेट कैपिटल रिसिट एक ही है जिसका नाम है बोरोइंग्स। जब आप कैपिटल रिसिट जोड़ रहे होंगे, क्या जोड़ रहे होंगे? कैपिटल रिसिट। तो कैपिटल रिसिट्स में आप एक्सक्लूड कर दोगे बोरोइंग्स को। किसको एक्सक्लूड कर दोगे? बोरोइंग्स को हटा दोगे। मतलब कैपिटल रिसिट के दो पार्ट, या तो लाइबिलिटी का बढ़ना या एसेट्स का कम होना। तो लाइबिलिटी के बढ़ने वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। जब आप रिवेन्यू रिसिट जोड़ोगे, कैपिटल रिसिट जोड़ोगे, कैपिटल रिसिट के दो पार्ट है, जो या तो लाइबिलिटी को बढ़ाता है या एसेट्स को कम करता है। लाइबिलिटी को बढ़ाने वाला एक ही पार्ट है, कौन? बोरोइंग्स। आप उसे नहीं जोड़ोगे, क्या निकालते हुए? फिस्कल डेफिसिट। ये सही सवाल है। आप कोई भी चीज कर रहे हो लाइफ में, अगर आपके साथ ये क्यों वर्ड नहीं जुड़ रहा ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आप क्यों नहीं लगा रहे ना अपने साथ, तो बहुत बड़ी दिक्कत इसलिए है, आपको पता ही नहीं लगेगा आप ये काम कर क्यों रहे हो। अभी मैंने बताया कि मैं इसमें क्या नहीं जोड़ूंगा? बोरोइंग्स। मैं फिर बताता हूं, लाइफ में कुछ भी करने जा रहे हो, तो ट्यूशन भी आ रहे हो ना घर से, तो अपने आप से एक बार पूछ लिया करो कि मैं क्यों जा रहा हूं ट्यूशन, या क्यों जा रही हूं ट्यूशन, क्या मकसद है आज मेरा ट्यूशन जाने का। तुम्हारे अंदर से आंसर आने लगेंगे कि आज कुछ सीख के आना है, कुछ नया पता लगेगा। वो जो एक्साइटमेंट फिर पैदा होती है ना, उसका मजा ही अलग है। जब हम खेलने जाते हैं तो हम ये सोच के खेलने जाते हैं आज 3 मैच तो जीत के आएंगे, हमारे 5 मैच होते हैं, 2 मैच होते हैं, हम ये सोच के जाएंगे कि आज 3 मैच तो जीत के आएंगे। भाई साहब वो एक्साइटमेंट अलग लेवल पे ले जाता है हमें। कुछ भी करने जाओ तो ये जरूर पूछना क्यों। अब मैंने तुम्हें बताया कि बोरोइंग एक्सक्लूड नहीं होगी, सिर्फ एक बच्चे ने पूछा क्यों, इतना ट्रस्ट कि सर आपने बता दिया तो बात खत्म। अरे नहीं, चलो तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही मेरे से पूछने की, अपने आप से पूछ लो कि यार ऐसा क्या हो गया बोरोइंग के साथ, ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि आपने इसे क्या नहीं करा एड, जब सारे ही जोड़ रहे थे तो बोरोइंग के साथ कौन सी नाराजगी है आपकी, बोरोइंग को भी जोड़ देते। तो
जब बोरोइंग भी जोड़नी थी, जब सब जोड़ रहे थे बोरोइंग को भी जोड़ते, तो ये क्वेश्चन सबके मन में आना चाहिए था क्यों, और अपने आप से पूछते पहले, तुम्हें जवाब ना मिलता तो फिर आते सर हमें नहीं पता लग रहा। उनमें टीचर ने तो बताया भी था, अगले दिन मैंने उन्हें जाके बताया, मैंने कहा दीदी आपने ना बोरोइंग नहीं जोड़ी, कह रही हाँ फॉर्मूला जब यही है, मैंने कहा उसके पीछे रीजन है, 4 घंटे लगे थे मुझे रीजन ढूंढने में जब मैं 12th में था, मैं खेलते खेलते यही सोच रहा था, हम गली में क्रिकेट खेल रहे थे, कैच आ रहा था वो मेरे से छूट गया, वो सब कहने लगे क्या कर रहा कैच क्यों नहीं पकड़ा, यार कुछ सोच रहा था, खैर बाद में सोच लियो, मैं नहीं वो ज्यादा जरूरी है, वो अभी सोचना जरूरी है, कैच छूट गया यहाँ कोई पैसे उड़ने लगे, हमें जिंदगी का सवाल है, मैं खो जाता था कहीं, तो मेरे को पता क्या आंसर मिला, मुझे आंसर ये मिला कि मान लो गवर्नमेंट के टोटल खर्चे मतलब रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला के 100 करोड़ है, मतलब इस साल गवर्नमेंट कितने खर्चे करेगी 100 करोड़, आने वाला जो साल है उसमें गवर्नमेंट कितने खर्चे करेगी 100 करोड़। तो अभी ये टॉपिक हमारा ये है इस वक्त कि जब हम फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं और जिसका फॉर्मूला लगाते हैं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसेट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को नहीं जोड़ते, जब हम टोटल रिसेट में कैपिटल रिसेट जोड़ रहे होंगे तो उसमें से क्या नहीं जोड़ेंगे बोरोइंग, तो क्वेश्चन ये है कि वो बोरोइंग क्यों नहीं जुड़ा, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि गवर्नमेंट के मान लो टोटल खर्चे कितने हैं 100 करोड़ और टोटल इनकम इस साल गवर्नमेंट 80 करोड़ कमाएगी, पर इस 80 करोड़ में क्या नहीं जुड़ी हुई बोरोइंग, तो गवर्नमेंट को 20 करोड़ रुपए की कमी पड़ेगी क्योंकि खर्चे कितने हैं 100 करोड़, इनकम कितनी कमाएगी 20 करोड़ की क्या पड़ेगी कमी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट को 20 करोड़ की कमी पड़ती है गवर्नमेंट 20 करोड़ का उधार उठाएगी, क्या उठाएगी उधार, कितने करोड़ का 20 करोड़ रुपए का क्या उठा लेगी उधार, और अगर मैं ये 20 करोड़ की वैल्यू, ध्यान से सुनना ये वाली बात, अगर मैं ये 20 करोड़ वाली वैल्यू यहां कैपिटल रिसीट में जोड़ दूं तो कैपिटल रिसीट जो अभी तक कितनी आ रही है 80 करोड़ वो 20 करोड़ से बढ़ के कितनी हो जाएंगी 100 करोड़ और फिस्कल डेफिसिट कितना आएगा 0, मतलब आप फिस्कल डेफिसिट निकाल ही नहीं सकते अगर आप बोरोइंग्स को उसमें से अलग नहीं करोगे। एक बार दोबारा हो जाए समझ जाना थोड़ा इसको हार्ड, तो एक बार दोबारा हो जाए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि गवर्नमेंट के टोटल खर्चे कितने हैं 100 करोड़ और टोटल इनकम कितनी है 80 करोड़, मतलब गवर्नमेंट को 20 करोड़ की क्या पड़ेगी कमी, तो गवर्नमेंट 20 करोड़ का क्या उठाएगी उधार कमी पूरी करने के लिए, जब वो उधार उठाएगी क्या उठाएगी उधार उठाएगी, तो अगर वो 20 करोड़ वाली वैल्यू मैंने कैपिटल रिसीट में जोड़ी होती तो ये 80 करोड़ की बजाय कितना आता 100 करोड़, 20 करोड़ से इनकम बढ़ जाती, और अगर ये 100 करोड़ आता तो 100 माइनस 100 कितना हो जाता, तो तुम फिस्कल निकाल ही नहीं पाओगे अगर तुम उसमें से बोरोइंग अलग नहीं। भाई साहब तालियां बजी थी इस बात पे, और टीचर ने नहीं कहा था, बच्चों ने खुद ही बजा दी थी कि यार तू इतना गहरा सोच लेता है, और ये बातें किसी बुक में लिखी भी नहीं है, इसीलिए बच्चे ट्यूशन लगाते हैं कि ये ऐसे थिंकिंग बढ़ जाए, ये बातें हम सोचने लगे, जब तुम खुद से बातें सोचने लगोगे ना उस दिन तो भाई अब तुम हाई लेवल पे पहुंच जाओगे, अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो, ये पता ये फीलिंग कब आती है जब हम नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, जो हमें ये लगता है, मेरे को पता क्या लगता था, मेरे साथ दिक्कत क्या थी, मैं पढ़ता था मेरे दोस्त मजे करते थे, तो मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब मुझे इन्हें पढ़ाना है क्योंकि अब ये पढ़ने के लिए मेरे पास ही आएंगे, तू तो पढ़ लेता है अब तू हमें बता जब पेपर का टाइम आएगा, तो मुझे इतने ध्यान से हर चीज सीखनी पड़ती थी कि ये तो कुछ भी पूछ लेंगे, और दोस्तों में तो गाली देके पूछ लेते हैं, चल भाई ये बता ये कैसे हुआ, अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, तो मेरे मन में क्वेश्चन घूमते रहते थे, यार मैं इसे क्या जवाब दूंगा, मान लो इसने पूछ लिया बोरोइंग एक्सक्लूड क्यों है, मेरा जवाब क्या होगा, फिर मैं जवाब ढूंढने लगता था, तो जवाब ढूंढते ढूंढते मुझे ऐसे मिल जाते थे, ये कोई किसी बुक वगैरह में नहीं होते, ये सिर्फ माइंड की कैपेसिटी है जो धीरे धीरे डेवलप होती रहेगी और आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे। अब बताओ क्या क्वेश्चन कह रहे थे, कह रहे भूल गया तो कोई नहीं याद आएगा बताना, दोबारा पूछ लो कोई बात नहीं, दोबारा देखो मेरा टॉपिक ये है कि फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, बट जब टोटल रिसीट जोड़ते हो रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट टोटल रिसीट जोड़ते हो तो टोटल रिसीट में आप क्या नहीं जोड़ोगे बोरोइंग, बोरोइंग जबकि हमारी रिसीट है पर आप बोरोइंग को क्या करोगे एक्सक्लूड, तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। क्वेश्चन ये है ये एक्सक्लूड क्यों करा गया,
मान लो गवर्नमेंट के टोटल खर्चे 100 करोड़ है और टोटल इनकम कितनी है 80 करोड़, तो गवर्नमेंट को कितने की कमी पड़ी? 20 करोड़ का क्या उठाएगी गवर्नमेंट? उधार कहां से लाएगी पैसे? उधार लेके। अगर वो उधार आप जोड़ दोगे, उधार 20 करोड़ का जोड़ दोगे, तो ये टोटल रिसिप जो अभी तक कितनी है 80 करोड़, वो कितनी हो जाएगी 20 करोड़ से जुड़ के? 100 करोड़। 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 100। तो 100 माइनस 100 कितना आएगा? 0। तुम फिस्कल निकाल ही नहीं पाओगे। नहीं है इस 80 करोड़ में अभी तक बोरोइंग इंक्लूड नहीं है, क्योंकि मैंने टोटल रिसीव में क्या एक्सक्लूड कर दी? बोरोइंग। तो ये 80 करोड़ जो है इसमें बोरोइंग इंक्लूड नहीं है। अगर मैं कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 100। और अगर ये 100 हो गया फिर तो टोटल रिसीव इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे ना। अभी भी तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा? आ रहा है किसी के मन में? 20 करोड़ रिसिट है, उधार उठा रहे हैं तो पैसा आएगा, पैसा आया तो क्या है? रिसिट, कैपिटल रिसिट है, क्योंकि ये किसको बढ़ा देगा? लायबिलिटी को। अब बताओ फिर वो डेफिसिट बजट हुआ ही नहीं, इसके बिना मतलब डेफिसिट बजट नहीं निकल सकता, ये आपको हटाना ही पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट निकल नहीं सकता इसके बिना। तो गवर्नमेंट इसको इसलिए डिसाइड कर दे कितनी बोरिंग। बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट निकालती ही इसलिए है कि उसे ये डिसाइड करना होता है इस साल में कितने का लोन उठाऊंगी। ये निकाला ही इसलिए जाता है, यही मेरे को सुनना था जो इसने बोला। और मुझे एक और बात सुननी थी तुम्हारे मुंह से जो अभी तक किसी के मुंह से नहीं आई। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। बिल्कुल ऐसा हुआ। बैलेंस कहाँ हुआ? सो माइनस 80 20 आया नहीं, बैलेंस कहाँ हुआ? बैलेंस तो तब होता जब 100 इज इक्वल टू क्या हो जाता? 100। हाँ रियल में बैलेंस कर देते हैं उधार उठा के। हाँ ये निकाला ही इसलिए गया है कि ये पता लग जाए इस बार गवर्नमेंट कितने का उधार उठाएगी। इसका मतलब ये है फिस्कल डेफिसिट के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो छोटा फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स और दूसरा फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड वगैरह में या कहीं पे भी, तो वहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें दे रखी होंगी और छुपके से बोरोइंग दे देंगे। मान लो बोरिंग दी 32 करोड़, फिर कहेंगे फिस्कल डेफिसिट निकालो, बच्चे लगे रहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसिट कैपिटल रिसिट। अबे यार छोड़, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग, खेल खत्म। बच्चे फॉर्मूला याद नहीं रखते, फिर लगे रहेंगे डेफिसिट आ गया, हाँ डेफिसिट आ गया, खर्चे माइनस करो किसमें से? रिसिट में से। टोटल खर्चे माइनस करो टोटल रिसिट में, सारे खर्चे जोड़ने लग जाएंगे फिर सारी रिसिट जोड़ने लग जाएंगे फिर माइनस करेंगे कहेंगे फिस्कल डेफिसिट आ गया। अबे नहीं, सीधा फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल है? बोरोइंग्स के। बात खत्म हो गई। एक का नहीं है भाई साहब, 4 मार्क्स का है। रिवेन्यू डेफिसिट भी निकलवाएंगे, फिस्कल डेफिसिट भी निकलवाएंगे और तीसरा भी निकलवाएंगे, तीसरे का नाम है प्राइमरी डेफिसिट, अभी वो भी आएगा। नहीं खाली ये तो एक नंबर का ही बनता है, ये 2 नंबर मैक्सिमम, बस ज्यादा नहीं होते, एक नंबर का ही बनता है इतना। एक बार दोबारा हो जाए शुरू से। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? टाइप्स ऑफ डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब ये कि होता है कि खर्चे ज्यादा हो गए किससे? रिवेन्यू डेफिसिट। क्या रिवेन्यू डेफिसिट? जब रिवेन्यू खर्चे ज्यादा हो जाए, रिवेन्यू डेफिसिट आती है ना, खर्चे ज्यादा हो गए किससे? और कौन से खर्चे? रिवेन्यू खर्चे ज्यादा हो गए किससे? रिवेन्यू। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल। जब आप टोटल रिसिट जोड़ोगे दोनों रिसिट, कैपिटल रिसिट और रिवेन्यू रिसिट, तो आप किसे नहीं जोड़ोगे? बोरोइंग को। क्या बोलते हैं? डेट कैपिटल रिसिट्स, क्योंकि ये किसे बढ़ा देती है? लायबिलिटी को, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं? डेट कैपिटल रिसिट्स। तो मान लिया मैंने टोटल खर्चे 100 करोड़ है और टोटल रिसिट कितनी है? पर इस 80 करोड़ में क्या नहीं जुड़ा हुआ? बोरोइंग। ठीक है, तो अब पता लग गया कितने का उधार उठाना है? 20 करोड़ का। अगर बाय चांस में 20 करोड़ यहाँ जोड़ दूं तो ये भी कितना हो जाएगा? 100। तो 100 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 0। तो क्या फिर निकाल लेंगे? फिर तो 0 आ जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है? बोरोइंग के। पता लग जाता है इस बार कितने का उधार उठाना है। समझ आती है बात? पूछो, नहीं पूछते तुम पूछ लो भाई नेल्स वाले बंदे।